इसकी अर्थव्यवस्था को गिरावट ले आई, तो इसलिए उस समय जो चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद रही आज मोदी जी के लिए वो नुकसानदायक हो गई और यकीनन नुकसानदायक हो रही। आप एक बहुत पुराने नेता रहे, अब जमीनी नेता माने जाते हैं, और जनता की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनसे आप बहुत अच्छे ढंग से परिचित हैं, लेकिन आपको लग नहीं रहा है, आप महासचिव हैं पार्टी के, पूरे देख रहे हैं सिनेरियो को पॉलिटिकल इस समय, ऐसा वातावरण नहीं बन रहा देश में कि ये जो चुनाव है आज़ाद भारत का पहला ऐसा चुनाव लग रहा है कि जिसमें राफेल, राष्ट्रवाद और राम मंदिर ऐसे मुद्दे ही मेन मुद्दे रहेंगे, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, इस रंग के मुद्दे हाशिए पे जा रहे हैं। देखिए, इसमें पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हाशिए पे, देखिए बिल्कुल आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया और ये देश के बुद्धिजीवियों को इसका जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने अपनी 6 महीने की मेहनत के बाद बेरोजगारी का सवाल खड़ा किया, खेती की बर्बादी बदहाली और किसान की बर्बादी का सवाल खड़ा किया, उन्होंने गरीबी, बढ़ती हुई गरीबी और विकास दर में आई हुई घटोतरी का सवाल खड़ा किया, उन्होंने देश के आंतरिक सुरक्षा और महिलाओं के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचारों का मामला खड़ा किया। इन चीज़ों पर नरेटिव लाए जो बुनियादी चीज़ें हैं, देश में बढ़ती हुई असहिष्णुता का सवाल उठाया, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को आप ख़त्म कर रहे हैं उनकी उनको उनका सवाल उठाया। तो मोदी जी ने पहली कोशिश ये की कि राम मंदिर से उस इशू को ढका जाए, मगर पेट के सवाल ने राम मंदिर के सवाल को नहीं उठने दिया, कोई सुप्रीम कोर्ट ने दृढ़ निश्चय ले लिया तो वो मुद्दा मोदी जी पर भारी पड़ने लग गया। इसलिए मोदी जी ने पुलवामा के जो शहीदों की शहादत है उसके आड़ में बीजेपी और आरएसएस दोनों राष्ट्रवाद का मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, और बुद्धिजीवियों को जवाब ये देना चाहिए क्या इस देश के अंदर 2 राष्ट्रवाद होंगे, एक जो मोदी को चाहने वाले हैं उनका राष्ट्रवाद, एक जो है वो लोग हैं जो मोदी से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत सवाल जवाब कर रहे हैं, जो अपने कलम से सवाल कर रहे हैं, जो अपनी वाणी से सवाल कर रहे हैं। तो मोदी से जो सवाल करेगा वो गैर राष्ट्रवादी है, और जो मोदी से मोदी 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 कहेगा वो राष्ट्रवादी है। तो ये राष्ट्रवाद की क्या इतनी छोटी संकीर्ण परिभाषा हो जाएगी, ये इस चुनाव को इस सवाल का अर्थ निकालना पड़ेगा, नहीं तो देश के भविष्य के लिए ये खराब हो। राफेल के अलावा कांग्रेस भी अन्य मुद्दों पर ज़्यादा जोर नहीं दे रही है। राफेल ना 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 इनको दे रहे हैं, हमने बेसिक इनकम का मुद्दा केवल इंदिरा गांधी का पोता ही उठा सकता है बेसिक इनकम का मुद्दा बात करके, तो ये कोई छोटा थोड़ी है, उसके अंदर तो पूरा अर्थशास्त्र है। हाँ जी, फिलहाल जो करंट पॉलिटिक्स का मामला आ रहा है जी, अभी आज की ताज़ा ही खबर है कि बुआर बबुआ आपके खिलाफ हो गए हैं देश में। बुआ ने कहा, बुआ और बबुआ, मायावती और अखिलेश जी दोनों आपसे गठबंधन नहीं चाहते हैं। आपने कहा था कि हम 7 सीट छोड़ रहे हैं गठबंधन के लिए, तो उन्होंने कहा है दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम ऐसा कोई भ्रम, कांग्रेस ऐसा भ्रम ना फैलाए, हम उनके साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम जो भी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हैं, संविधान बचाने की लड़ाई में हैं, और मोदी जी के इस छद्म राष्ट्रवाद का जो विरोध कर रहे हैं, विरोध में जो शक्तियां हैं, हम उनका सम्मान करें। जब उन्होंने हमसे अलग हट करके अपना समझौता किया, हमने उसका भी स्वागत किया, फिर हमने एक गेस्चर दिखाया है, हमने कहा भाई साहब आप हमारे लिए नहीं लड़े हो, हम भी नहीं लड़ेंगे, तो ये गेस्चर है। और मैं समझता हूँ राजनीति में यदि शिष्टता नहीं है तो फिर राजनीति का अर्थ नहीं है, तो हमने राजनीतिक शिष्टता दिखाई है और वो जिस रूप में लेना चाहे मालिक है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ आपका गठबंधन होना चाह रहा है, वो पैसे फेल भी कहा जा सकता है, अभी फाइनल नहीं है,
देखिए, हमारी लोकल इकाई जो है बुनियादी तौर पर बरसों कांग्रेस मार्क्सवादियों से लड़ती रही वहाँ। एक बड़ा कठिन सवाल है, हम देश में हमारी उनकी सोच में बहुत साम्यता है, मगर बंगाल की स्थानीय ग्राउंड राजनीति में हम साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। केरल, उनकी केरल इकाई तो बिल्कुल ही नहीं खड़े होने को तैयार है। तो इसलिए राजनीति का काम ही, राजनीति में लीडरशिप का काम ही यही है कि आपको विरोधाभासों को मैनेज करना पड़ता है। तो हम मैनेज करेंगे जैसी स्थिति आएगी, मगर हमारा सैद्धांतिक वैचारिक शो लाइन एक रहेगी काम करने की, भविष्य में भी हम कोशिश करेंगे। दिल्ली और पंजाब में आपके साथ, आम आदमी पार्टी के साथ अभी आपका पूरी तरह तालमेल नहीं बैठ पाया है, क्या संभावना जी? केजरीवाल जी के साथ उनके गुरु की नहीं बन पाई, उनके दोस्तों की नहीं बन पाई, तो हम एक कॉमन कॉज है कि भाजपा को हराना है। यदि उसमें वो हमारे साथ चलते हैं तो हम थैंक यू कहेंगे उनको। प्रियंका गांधी जी से आप कितने, प्रियंका गांधी जी की जो नाव यात्रा चल रही है वोट के लिए, ऐसे ही 2014 में कभी नरेंद्र मोदी जी ने, देखिए ये प्रियंका गांधी की पॉलिटिकल एक्यूमेंसिप का एक बड़ा एग्जाम्पल है। गंगा इस देश की भावनात्मक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक धारा है, जिस पर, जिसके तट पर आप पूजा पाठ भी करते हैं, वजू भी करते हैं, सब करते हैं, जिसका जल सब जगह चढ़ता है, वो वास्तविक अर्थों में सनातन धर्म की गंगा है। तो उन्होंने सनातन धर्म के इस गंगा मार्ग को चुना अपनी पहली राजनीतिक यात्रा के लिए, और मकसद ये रखा कि मैं उसके जरिए जो एक उतनी ही पवित्र गंगा है गरीबों की, पिछड़ों की, कमजोरों की, उनसे संपर्क करूंगी। और मैं समझता हूँ ये दो नैरेटिव ऐसे हैं जो उन्होंने खड़े किए हैं, ये भाजपा को भारी पड़ेंगे। और मोदी बिना उनके कहे एक्सपोज हो गए हैं, इसलिए हो गए हैं, जिसने कहा था माँ ने बुलाया है, तो माँ कह रही है मैंने तो बुलाया होगा, लेकिन बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन बेटे ने जरूर मुझे बुलाया है। ठीक है, मेरे लिए उत्तराखंड को लेके थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ, ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे चर्चा है राजनीतिक सर्किल में, एक मैं भी सुन रहा हूँ, महाराज जी ने सुना है कोई ऐसा लेटर मार्मिक भेजा है कि मैं वापसी करता हूँ पौड़ी लोकसभा क्षेत्र को लेके, ऐसा कुछ मार्मिक लेटर हाईकमान को, आप हाईकमान से पता होगा भेजा है क्या उन्होंने? आपने जब जब भाजपा वाले जब जब उनकी मूछें नीचे को करते हैं तब तक वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, तो उनके मूंछ नीचे हो ऊपर हो हमारा क्या मतलब भैया, भाजपा में हो हम उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। सरकार कह रही है आपके द्वारा उसको रोक दिया गया है, मतलब आप महाराज का प्रवेश कांग्रेस में पुनः नहीं चाहते हैं? ना मैं मेरी तरफ से जो है, और भी सभी कहते हैं कि रावत जी बड़ा दिल नहीं दिखा पा रहे हैं, जैसे हरक सिंह जी वगैरह सभी, मतलब सभी वापसी को लेके आला कमान चाह रहा है, सिर्फ रावत जी बड़ा दिल नहीं दिखा पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया? आप मुझे, मेरे सामने कभी कोई बात ही नहीं आई, ये कोई इच्छा जाहिर करें तो फिर मैं कह दूंगा तब माफ किया, क्योंकि ये मेरे माफ करने का सवाल नहीं है, लोकतंत्र के और उत्तराखंड के लोकतंत्र के माफ करने न माफ करने का सवाल है। वो हमारे अपराधी नहीं हैं, उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र के अपराधी हैं, पहला दल बदल है, तो इसलिए हमारी तरफ से माफ है। और वो कांग्रेस में आए, कोई आता है तो कहे तो सही मैं आ रहा हूँ करके ना, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है कि हम चौराहे पर कहेंगे आओ आओ करके, ये हमें कुछ नहीं पड़ी है कांग्रेस को। कांग्रेस में गुटबाजी के क्या कारण है? इंदिरा देश और प्रीतम सिंह जी आपके खिलाफ क्यों? अरे हमारे खिलाफ नहीं है बेचारे, हमको कहीं बाहरी का मुद्दा, हमको भीतरी का मुद्दा, अच्छा हमको नागर साहब कोई याद करता रहे सुबह शाम दोपहर, तो आप उसको नाराजगी बता दे रहे हैं, ऐसा अन्याय मत करिए।
अब मैं याद करते रहते हैं, हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, मैं हृदय से उनका बड़ा आभारी हूँ। बल्कि अपनों को तो बार बार याद किया जाता है, उनके अपनत्व के लिए मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। ये पार्टी के लिए खतरनाक है, इससे एक मैसेज जा रहा है कि आपसी कलह का शिकार हो गई। अरे हमारा अपनत्व रख रहे हैं, खतरनाक कैसे हो सकता है, अपनत्व कोई खतरनाक होता है। और आपके समर्थकों को पूरी तरह हटाया गया है पीसीसी में, आप उसे स्वीकारेंगे? कोई कुछ रेस्ट पीरियड भी होता है, मेरे समर्थकों को इसको रेस्ट पीरियड मानना चाहिए, तब तक आपने को रिफ्रेश करें ताकि वर्ल्ड कप की वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो सके। आप सहमत हैं कि आपके समर्थकों को किनारे किया गया है इस? मैं इस पर केवल हंस सकता हूँ। लेकिन सर आपने टाल दी बात, लेकिन आपने ये